हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रह सोनाली। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चेहरे पर होने वाली झाइयों को दूर करने के कुछ असरदार नुस्खे। चेहरे पर ये झाइयां अधिकतर धूप में अधिक देर तक रहने के कारण होती हैं, क्योंकि धूप में अधिक देर तक रहने के कारण त्वचा में मेलानिन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे स्किन पर डार्क पैचेस हो जाते हैं। इन सबको दूर करने के लिए आप खाने में आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, सब्जियां और फ्रूट का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। आगे हम कुछ घरेलू उपाय भी आपको बताएंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे इस ग्रह सोनाली यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और ये जानकारी पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, और इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि और भी अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अब जानते हैं झाइयाँ यानी पिगमेंटेशन को दूर करने के कुछ छोटे छोटे से आसान से घरेलू नुस्खे। सबसे पहला उपाय है ताजी दूध की मलाई। थोड़ी सी ताज़ी दूध की मलाई लें। अब इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस के मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अपने चेहरे पर कुछ देर के लिए लगा लें, और थोड़ी देर बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी झाइयाँ हल्की पड़ने लग जाएंगी। सेकंड रेमेडी है तुलसी के पत्ते। थोड़े से तुलसी के पत्तों का रस निकाल लीजिए। अब इसमें बराबर मात्रा में नींबू का रस मिलाकर अपने चेहरे पर लगाइए। ऐसा करने से आपके चेहरे के काले दाग धब्बे और पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तीसरा उपाय है जीरा। थोड़े से पानी में जीरे को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। अब इस पानी से अपने चेहरे को धो लें। इस पानी को कुछ देर तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें और उसके बाद सादे पानी से अपना चेहरा धो लें। उपाय को कुछ दिनों तक लगातार इस्तेमाल करने से झाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तीसरा उपाय है ऑरेंज पील पाउडर। सूखे संतरों के छिलके को मिक्सी में बारीक पीस लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लें और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाइए। इसे लगाने से आपके चेहरे पर पिंपल, पिगमेंटेशन और सनबर्न की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। पांचवा उपाय है अमरूद और केला। एक पका हुआ केला और अमरूद लीजिए। अब इसे मिक्सी में बारीक पीसकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर पूरी तरह से लगाकर आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को धो लें। इस उपाय से भी झाइयाँ कम होने लगेंगी। नेक्स्ट रेमेडी है खीरे का रस। यदि चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग हो तो वह खीरे के रस से आसानी से साफ हो जाएंगे और इस उपाय से एक्ने की प्रॉब्लम भी जड़ से खत्म होती है। नेक्स्ट है रोज वाटर। गुलाब जल और नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर इसे हर रोज अपने चेहरे पर लगाने से झाइयाँ मिटती हैं, और हर रोज दिन में एक बार गाजर के जूस का सेवन कीजिए और जूस निकालने के बाद बचे हुए पल्प को अपने चेहरे पर कुछ देर के लिए लगाकर रखें। इसके अलावा ताजे टमाटर को काटकर इसका रस निकाल लें। अब इस रस से हल्के हाथों से अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। कुछ ही दिनों में झाइयाँ जड़ से गायब हो जाएंगी तथा आपके चेहरे का रंग भी हल्का हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, ग्रह सोनाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। एक नई और बहुत ही अच्छी सी जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। थैंक यू।